आप इसी विधानसभा की बात करिए जिस पे मैं चुनाव लड़ रही हूँ, जो आपकी अपनी और मेरी अपनी विधानसभा है, जो मुझे एक घर मिला है। किस कैंडिडेट ने आपकी आवाज उठाई थी जब दिल्ली में आपकी महिलाएं वो आंदोलन कर रही थी? उठाई थी? नहीं उठाई। उठाई थी क्या? नहीं। जब दिल्ली में महिलाएं गोदी में बच्चे ले लेकर आंदोलन कर रही थी आपकी, नहीं उठाई ना? हमारी बहने, हमने उठाई थी। उठाने वाली केवल आप हो और कोई नहीं। हमने उठाई थी, राहुल गांधी जी ने उठाई, प्रियंका गांधी जी ने उठाई, जितने भी इस विधानसभा पे कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों ने नहीं उठाई, न उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उठाई, नहीं उठाई ना? नहीं उठाई। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बोल दूंगी जी गलती होगी माफ कर दो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा समस्या है, ये सभी जानते हैं। ये कितना हमें बांट रहे हैं, दूर दूर तक सबको पता चल गया, आपको सबसे ज्यादा समस्या है। और ऐसा मत करना, मेरा अनुरोध हाथ जोड़कर है कि वोट ना बटे, क्योंकि पिछले विधायकों को भी आपने देख लिया जो जो इस सीट पे विधायक है। और मैं आपकी बेटी हूँ, आपके लिए 1.5 साल से बॉर्डर पे लड़ रही हूँ। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत सिर्फ एक ये नहीं है कि कांग्रेस का टिकट है जीत जाए, नहीं, ये तमाम उन बेटियों की जीत है जो रात के अंधेरे में 2 बजे पेट्रोल छिड़क कर जला दी गई बलात्कार करके। ये तमाम उन किसानों की जीत है जो बॉर्डर पर लड़ते थे। ये तमाम उन बच्चों की जीत है जो आपकी बेटियां वहां आंदोलन कर रही थी दिल्ली में, कर रही थी ना, जिसको ये उठा उठा करके भगा रहे थे कि कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना? ये तमाम उनकी जीत है, ये तमाम उन किसान को सम्मान की आंदोलन की जीत है। ऐसा नहीं है युवा भटकता नहीं है, भटकता है, हम भी भटके थे 2014 के, भटके हुए हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भटके ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि भटकी रहूंगी मैं। मेरा काम है आपको जागरूक करने का और आपको सच से रूबरू कराने का। हमें टाइम भी नहीं मिला प्रचार करने का, क्योंकि टीवीओ पर इनके प्रचार चल रहे, और हमें कभी यहाँ बुला लेते हैं, कभी वहाँ बुला लेते हैं, कभी उस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, और मुझे मिलने का भी मौका नहीं दे रहे। आप लोगों से ये ध्यान रखिएगा, अभी भी बैठे बैठे फोन आ गया कि मिलकर यहाँ ये जी यहाँ फॉर्मेलिटी होनी है, लेकिन मेरा, आप सभी जिम्मेदार लोग हैं, गाँव के सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप उस बात को ध्यान रखें कि हमारे देश को आज़ाद कराया था कांग्रेस परिवार ने, पंडित जी जैसे, नेहरू जी जैसे, कमाल के आदमी थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब उनसे दुखी थे अंग्रेज, और आज वो इस दुनिया में नहीं है तो उनसे ये संगी दुखी है ना कमाल के, है ना कमाल के, क्योंकि कांग्रेस परिवार वो है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, गनी गफ्फार, हमारे चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, समस्त इनका सम्मान उस कांग्रेस परिवार में है, इनके सम्मान से सींची हुई पार्टी है, इनके सम्मान से, सबको पता सेकुलर है। आपकी आवाज कोई उठा रहा है क्या इस सीट पे? नहीं उठा रहा ना कोई, उठा रहा है सिसयाना विधानसभा पे? नहीं। उठा रहा है कोई किसानों की आवाज? नहीं उठा रहा। मुझे बोलते बोलते 1.5 साल हो गए, लेकिन आप सबसे ज्यादा आवाज तेज अभी भी निकल रही होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और अपने आप जिम्मेदार नागरिक बनिए उस देश के जो आजाद हो चुका था 1947 में, और अब ये गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो आप सभी अपने रिश्तेदारों को भी फोन करना, सभी से वोट की अपील करना, सभी विधानसभाओं से, जिस जहां जहां आपकी उत्तर प्रदेश में रिश्तेदारी है, सभी को फोन करना। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए कन्यादान में, मुझे तो वोट चाहिए दान में। बताइए, पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद। देखिए, देश की बेटी का जब कन्यादान किया जाता है, कोई भी समाज, कोई भी धर्म की हो, तो बड़े पुण्य की बात होती है। बिल्कुल, मैं आपसे कन्यादान में वोट लेने आई हूँ भाई। मैं दूंगी आपको, आपकी विधानसभा पे जो काम रुका हुआ था 30 साल से, सभी को पता है कांग्रेस नहीं है तो विधानसभा पे काम नहीं हुआ। अच्छे स्कूल नहीं बने, अच्छे अस्पतालों की सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है सियाना विधानसभा के हॉस्पिटल में, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सिस्टम नहीं है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया जा रहा है ताकि आप अपने हक की आवाज ना उठा सको, आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है, अपने प्रचार चर्चा सब कर रहे हैं लोग, लेकिन शिक्षा बंद है। क्यों? क्योंकि आप, ताकि हक की आवाज ना उठा सको, ये भीड़ तो इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरे भाई नारे लगा रहे हैं पूनम पंडित जिंदाबाद, मैं धन्यवाद करती हूँ, सम्मान आप मुझे करते हैं। मुझे नारे वो चाहिए कि भारत का भाईचारा एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान,
ये नारे इनमें सम्मान है, ये तो जिंदा हमें अनपढ़ बना करके जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करने चाह रहे हैं। हमें वो चाहिए देश में जो अपने हक के लिए लड़ सके, जो आवाज उठा सके आपकी। और मैं तो देखिए, मुझे तो सभी ने बहुत प्यार किया है, सभी धर्मों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने, तो मैं तो सभी की आवाज़ उठाऊंगी, ऐसा नहीं है। और जो अपने अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता अपने परिवार की, वो किसी की नहीं उठा सकता। तो मैं अपने परिवार की भी आवाज़ उठाऊंगी और अपने समाज की भी और आपकी भी, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। मुझे इतना पता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं आपसे वोट लेने आई हूँ और आशीर्वाद भी लेने आई हूँ और हक से लेने आई हूँ भाई। जोरदार भाषण भाई पूनम पंडित का, और जोरदार स्वागत। इस तरफ महिलाएं भी खड़ी हैं, काफी काफी लोग जो अट्रैक्ट हो गए थे एकदम, यानी कि पूरा भाषण के बाद अभी देखते जाएगा। और तो क्या कहे भाई, पब्लिक ने अपना आप बता दिया। ये जो जोरदार भाषण आप देख रहे हो, सफल रहने वाला है ये, देखिएगा लगातार, किसी को भी नहीं छोड़ दे, सबसे मिलने जुलने का काम किया जा रहा है पूनम पंडित द्वारा। और ये देखिएगा हमारे लगातार, ये देखिएगा बच्चों का, और कैसा लग रहा है जी? आज बहुत अच्छा लग रहा है। पूनम पंडित जी परवाना गांव में आई हुई हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और यहाँ सभी लोगों ने सम्मान दिया है और सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमारी हमारा जन सैलाब, और पूरी विधानसभा हमें बहुत प्यार दे रही है, और इंशाल्लाह पूनम पंडित हमारी विधायक होगी। तो भाई देखिएगा, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देखिए फूलों के साथ बरसात, और ये इलेक्शन तो हमने भी देखा, कौन सीनियर बन गए, एंडी हरियाणा भी यूट्यूब पे सर्च मार लिया। ये जो पूरा कमाल आप देख रहे हैं, ये पूनम पंडित की जो फैन फॉलोइंग है उसको पहले से ही जानते हैं, यानी कि